तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ओव्यूल का टाइप तक देख लिए थे। इस तरह टाइप हो गया था, स्ट्रक्चर है अलग अलग टाइप का जो कि हम लोग देख चुके थे। इसमें मोस्ट कॉमन कौन हो गया था? एनाट्रोपस। आपके एनसीईआरटी में एक ही स्ट्रक्चर दिखाया है एनाट्रोपस का, ठीक है? तुम्हारा एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिखाया है, राइट। लेकिन एनाट्रोपस जो दिखाया है ना, वो डायग्राम उल्टा दिखाया है, मतलब वो इस टाइप से डायग्राम दिखा दिया है, ठीक है? एनाट्रोपस ओव्यूल जो दिखाया है, हम लोग सुविधा के ख्याल से बना देते हैं डायग्राम इस तरह से, लेकिन वो जो दिखाया एनसीईआरटी, देखो कैसे दिखा दिया है, एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया है, लेकिन वो माइक्रोपाइल के ऊपर रखा गया है। देखिए, ये तुम्हारा फिनकुल हो गया, ठीक है, और ये आपका हाँ ओके, ये देखिए, ये आपका फिनकुल हो गया, राइट ओके, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चला जा हो गया ना, ये चला जा, ये माइक्रोपाइल, और ये आपका क्या है? फिनकुल है, फिनकुल। तो ये इस एक्सिस पे है ना, और ये इस एक्सिस पे है, मतलब दोनों क्या है? पैरेलल है ना, इसी को कहा गया इन्वर्टेड ओव्यूल यानी एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट। और इसके अंदर क्या रहेगा प्रेजेंट? न्यूसेलस, ठीक है, और इसी में क्या डेवलप करेगा? एम्ब्रियो सैक। ये आपका न्यूसेलस हो जाएगा, न्यूसेलस, और ये है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो देख रहे हैं क्लियर, ये फ्यूनिकल इस एक्सिस पे, राइट, और ये माइक्रोपाइल और चलाजा इस लाइन पे हो गया, ठीक है, तो दोनों पैरेलल हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आपका एनसीईआरटी ऐसा डायग्राम दिखा दिया है, क्लियर। आप ये तो ये सब जान ही गए हैं कि इंटेगमेंट में मे बी वन लेयर और टू लेयर, यहाँ बायोटेक्निक हो गया, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे तो बायोटेक्निक हो जाएगा। तो हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर और ओव्यूल का टाइप देख चुके बच्चों। अब अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है, क्या? मेगा अस्पोरोजेनेसिस, मेगा अस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा अस्पोर, ठीक है। तो मेगा अस्पोर मदर सेल, मदर सेल से मेगा अस्पोर का बनना क्या कहलाएगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मींस डेवलपमेंट ऑफ किसका? डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर मदर सेल, मेगा अस्पोर मदर सेल एंड मेगा अस्पोर एंड मेगा अस्पोर, ठीक है, कॉल्ड मेगा अस्पोरोजेनेसिस, इसी को कहते हैं मेगा अस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा अस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली ये देखिए, ये हो गया, यहाँ पे मियोसिस होता है और यही बन जाता है मेगा अस्पोर। तो हम लोग दो पार्ट में पहले देखेंगे, पहले डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर की बात करेंगे एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर मदर सेल एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर मदर सेल एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर, क्लियर। तो हम लोग पहले मेगा अस्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं, मेगा अस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर मदर सेल, क्लियर हो गया। डेवलपमेंट ऑफ मेगा अस्पोर मदर सेल शॉर्ट में क्या लिखोगे? एमएमसी, राइट, हेडिंग हो गया। आप देखिए आगे, तो यहाँ ध्यान देना, हम लोग ये इन्वर्टेड ओव्यूल जो एनसीईआरटी दिखाया है ना,
इसके अनुसार थोड़ा सा दिखाने में बार बार दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग यही दिखा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दिखा सकते हैं। ये मान लेते हैं ये देखिए, ये तुम्हारा इंटेगुमेंट हो गया और ये आपका क्लियर फ्यूनिकल, ये इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट और ये आपका न्यूसेलस माइक्रोपाइल चला जा, क्लियर माइक्रोपाइल और ये चला जा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट था ब्लू, हाँ यस, देखिए ये आपका न्यूसेलस है, ये तुम्हारा क्या है न्यूसेलस है, राइट बच्चों, न्यूसेलस, ओके ओके, ये सब क्या है न्यूसेलस, सारा न्यूसेलर सेल है, ओके न्यूसेलस। अब ध्यान दो क्या कहता है, इस फिगर को ना हम उल्टा ही दिखाएंगे क्योंकि बार बार थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत फिर होती है, आप समझिए कि हाँ ऐसा है, यानी इमेज कहने का मतलब ये हो गया कि ये डायग्राम थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा जल्दी खींच देते हैं हम लोग, राइट, ये हो गया आपका फ्यूनिकल ही ना था, है ना, और इसमें ये तुम्हारा हो गया न्यूसेलस, राइट, न्यूसेलस। तो न्यूसेलर सेल ही क्या फॉर्म करेगा, ये इंटेगमेंट हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, चलाजा हो गया, राइट, चलाजा माइक्रोपाइल, और ये फ्यूनिकल, ए फ्यूनिकल, और ये हो गया न्यूसेलस, न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस। चलिए ठीक है ना यहाँ तक, अब ध्यान दो, इमेजिन करो एक ही फिगर है, एनसीईआरटी ऐसे दिखाया है, ये फिगर बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है इसलिए वो दिखाते हैं, हटा देते हैं इसको, हाँ। तो अब देखिए क्या कहता है, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल, ध्यान से समझना, न्यूसेलर सेल कहाँ का, जो माइक्रोपाइलर रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल बिकम्स डिफ्रेंशिएट एंड इनलार्ज टू फॉर्म मेगा फॉर मदर सेल। माइक्रोपाइलर रीजन की ओर जो न्यूसेलर्स प्रेजेंट है ना, उसमें से कुछ न्यूसेलर सेल क्या हो गया, इनलार्ज हो गया और वही फॉर्म कर लिया क्या, लार्ज सेल, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, है ना। न्यूसेलर सेल बिकम्स डिफरेंशिएट इनलार्ज टू फॉर्म लार्ज साइज सेल नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। न्यूसेलर सेल किधर, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन आर, ठीक है, न्यूसेलर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन इज डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटेड एंड इनलार्ज, इनलार्ज, इनलार्ज मतलब इलोंगेट कर गया, इनलार्ज कहिए और इलोंगेटेड कहिए, इलोंगेटेड टू फॉर्म
मेगा अस्पोर मदर सेल, समझा? यानी मीन्स अब क्या हो गया, ये जो डायग्राम था है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आइए, अब स्टेप बाय स्टेप देखना होगा डायग्राम। मान लेते हैं ये तुम्हारा इंटेगमेंट हो गया, इंटेगमेंट पीए फिन के, राइट। अब देखिए इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, न्यू सेलर सेल, न्यू सेलर सेल, न्यू सेलर सेल, क्लियर हो गया? तो जो न्यू सेलर सेल, एक न्यू सेलर सेल जो कहां प्रेजेंट था, माइक्रो पाइलर रीजन में प्रेजेंट था, ठीक है। देखिए यहां का जिसे मान लेते हैं कि ये, ध्यान दो, ये न्यू सेलर सेल क्या हो गया, लार्ज साइज का हो गया, और बीच में एक लार्ज सेल फॉर्म कर लिया। देखिए ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, न्यू सेलर से, और यहां पे एक बड़ा सा सेल बन गया, दैट इज कॉल्ड मेगा अस्पोर मदर सेल। यही बन गया क्या, मेगा अस्पोर मदर सेल, मेगा अस्पोर मदर सेल, मदर सेल। देखिए डायरेक्ट हम दिखा दिए, एक्चुअली यहां पे डायरेक्ट ये नहीं बनता है, यहां पे आर्कियोस्पोरियल सेल पहले बनता है, वो डिवाइड करते हैं तो टू सेल बनता है, एक आपका प्राइमरी पैरेटल सेल और एक एस्प्रोजिनस सेल। एस्प्रोजिनस सेल इलोंगेट कर गया तो ये फॉर्म के लिए मेगा एस्पोर मदर सेल। एक्चुअली यहां पे हुआ क्या, न्यूसेलर सेल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा डिटेल देखो, डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म आर्की अस्पोरियल सेल एज लाइक एंथर, याद करिए एंथर मुझे बताए थे। अब ये आर्की अस्पोरियल सेल क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, आर्की अस्पोरियल सेल डिवाइड, डिवाइड किया टू फॉर्म है ना क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड एस्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी एस्पोरोजिनस सेल, और यही एस्पोरोजिनस सेल इनलार्ज हो गया, एस्पोरोजिनस सेल यही इनलार्ज हो जाता है, एस्पोरोजिनस सेल इनलार्ज टू फॉर्म क्या बना दिया, मेगा एस्पोर मदर सेल। एक्चुअली ये होते हैं, एक्चुअली ये होते हैं, तो इतना डिटेल नहीं जानना है आपको, इतना डिटेल नहीं जानना है, बस जितना एनसीटी दिया उतना ही पे चलिए, क्वेश्चन उतना ही से पूछेगा। तो देखिए अब बीच में आ गया मेगा एस्पोर मदर सेल, कैसे आ गया समझ में आ गया, न्यूसेलर सेल ही डिफ्रेंशिएट कर गया है ना, और फॉर्म कर लिया ये, तो न्यूसेलर सेल से एक्चुअली पहले क्या बना, आर्कियोस्पोरियल सेल, वो डिवाइड किया तो क्या बना, एस्पोरोजिनस सेल और पैराइटल सेल, एस्पोरोजिनस सेल डायरेक्ट इलोंगेट कर गया तो क्या बन गया, मेगा एस्पोर मदर सेल, समझे? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, जैसे मान लें कि ये न्यूसेलर सेल है तो ये आपका क्या हो गया, ये डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा इनलार्ज साइज का हो गया, बाकी के कंपेयर में इनलार्ज साइज का हो गया, ठीक है, तो इसी को कहा दिया गया आर्की एस्पोरियल सेल। अब ये क्या किया, डिवाइड किया तो दो सेल बन गया, एक प्राइमरी पैरेटल सेल और एक एस्पोरोजिनस सेल, तो एस्पोरोजिनस सेल इलोंगेट इनलार्ज हो गया, यही क्या फॉर्म कर लिया आपका, मेगा एस्पोर मदर सेल, और यह यूजुअल रह गया। तो मेगा एस्पोर मदर सेल कहां बन चुका है बच्चों, न्यूसेलस में, ये बाहर से किससे घिरा हुआ है, न्यूसेलस से घिरा हुआ है, ये सब तुम्हारा क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यही मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा बाय मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर, ठीक है, नाउ मेगा एस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस, मियोसिस
टू फॉर्म फोर हैप्लोइड, फोर हैप्लोइड मेगास्पोर, मेगास्पोर ठीक है। सच प्रोसेस कॉल मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? सच प्रोसेस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जो बना, उस प्रोसेस को कहा गया मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी ये मान लेते हैं, देखिए ये मान लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल हो गया, राइट। अब ये डिवाइड किया भाई मियोसिस, तो क्या बन गया? फोर हैप्लॉयड सेल बन गया। यहाँ पे फोर हैप्लॉयड सेल, मान ले कि एक मेगास्पोर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। फोर मेगास्पोर मदर सेल बन गया, ठीक है। यही फोर हैप्लॉयड मेगास्पोर बन गया, ठीक है। तो ये कहाँ फॉर्म हुआ? यहाँ ना, ये यहाँ बना है ना। तो दिस प्रोसेस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यही क्या कहलाया? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए क्या कहता है, इसको हटा दें। अब देखिए क्या कहता है, यानी अब कह रहा है क्या, अगला फिगर देखिए। अब ये अगला फिगर में क्या आ गया बच्चों, ध्यान दो, ये तुम्हारा देखिए ये माइक्रोपाइल है ना, ये तुम्हारा क्या है? माइक्रोपाइल। ये तुम्हारा क्या है? चलाजल इंड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? फ्यूनिकल है। ये सब अब जरूरत नहीं है करने का। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या बन गया? फोर हैप्लोइड मेगास्पोर बन गया, राइट। एक मेगास्पोर एक बन गया, दूसरा मेगास्पोर ये बन गया, है ना। एक मेगास्पोर ये है, दूसरा मेगास्पोर ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है। एक मेगास्पोर ये, दूसरा मेगास्पोर ये, तीसरा मेगास्पोर ये, और चौथा मेगास्पोर ये हो गया, राइट। यही फोर मेगास्पोर बनके रेडी है। तो ये कहाँ फॉर्म हुआ? ओव्यूल में। और इसके अराउंड क्या है? इसके अराउंड प्रेजेंट है न्यूसेलस। ये न्यूसेलस में फॉर्म हुआ है, देखो। अब इस न्यूसेलस क्या करेगा? इसी मेगास्पोर को न्यूट्रिएंट देगा। अब कहता है मंग फोर मेगास्पोर थ्री डीजेनरेट, थ्री क्या हुआ? डीजेनरेट कर गया। ये फोर मेगास्पोर में तीन डीजेनरेट कर गया, ठीक है। थ्री मेगास्पोर डीजेनरेट कह रहा है, आगे क्या? थ्री मेगास्पोर डीजेनरेट किया। डीजेनरेट कहाँ से? फ्रॉम माइक्रोपाइलर रीजन से, फ्रॉम माइक्रोपाइलर रीजन। ओके बच्चों, ध्यान दो एक बार डायग्राम। तो ये जो माइक्रोस्पोर फोर बन गए, ये फोर मेगास्पोर जो बना था, तो पोजीशन के बेसिस पे नाम दिया गया। जैसे ये मेगास्पोर किधर प्रेजेंट है? चलाजल इंड की ओर प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड चलाजल मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर। और ये किधर है? माइक्रोपाइल की ओर, सो कॉल्ड माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। तो कहता थ्री मेगास्पोर क्या हो गया? डिजेनरेट कर गया। डिजेनरेशन किधर से शुरू हुआ था? माइक्रोपाइल रीजन से। तो अब बच गया कितना मेगास्पोर? एक ही ना, अनिमिस चलाजल मेगास्पोर, ठीक है। अब ओव्यूल में क्या बच गया? सिंगल मेगास्पोर बच गया, दिस इज चलाजल मेगास्पोर। क्लियर हुआ? अब यही मेगास्पोर आगे डेवलप करेगा और फॉर्म कर लेगा एम्ब्रायो सैक, राइट।
यानी मींस अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ किसका, मेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट यानी सच प्रोसेस कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं बच्चों, मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर। कौन सा मेगा स्पोर? चला जाल मेगा स्पोर, ठीक है। यही मान लीजिए दिस इज चलाजल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? हैप्लॉयड है ना, चूंकि मियोसिस से बना है तो यही आगे डिवाइड करेगा एंड डेवलप टू फॉर्म डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस होगा ना चूंकि हैप्लॉयड है ये, एंड डेवलप टू फॉर्म, डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रायोसैक, ठीक है। यही फॉर्म कर लेगा एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, यानी एम्ब्रायोसैक कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस प्रोसेस को कहा गया मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रायोसैक जो बना किससे? चलाजल मेगास्पोर से, या फीमेल गैमेटोफाइट जो बना चलाजल मेगास्पोर से, दैट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके बच्चों, तो दो पॉइंट ध्यान देना है कि फोर मेगास्पोर जो फॉर्म हुआ किससे? वन मेगास्पोर मदर सेल से, उसमें तीन डिजेनरेट कर गया, और डिजेनरेशन किधर से हुआ है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन से, यानी चलाजल इनक्योर जो प्रेजेंट होगा मेगास्पोर वो सर्वाइव करेगा, बाकी तीन डिजेनरेट कर जाएगा, क्लियर। तो जो बच गया उसे कहा गया चलाजल मेगास्पोर, और यही फॉर्म करेगा आगे एम्ब्रायोसैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब आइए देखें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर। देखिए, यानी अब यहां पे ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए ये आपका क्या है, चलाजल मेगास्पोर है, चलाजल मेगास्पोर, चलाजल मेगा स्पोर है बच्चों, ये न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लाज्म, राइट। ये हैप्लॉयड की डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ओके। ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, यही ना, साइटोप्लाज्म हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए क्या कहता है, मान लेते हैं कि ध्यान दीजिए फिगर थोड़ा सा, जैसे ये इसमें ये मान लो यही है, और बाहर में क्या है, न्यूसेलस, 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 और ये क्या बच गया अंदर में, देसी चलाजल मेगास्पोर, ओके। और ये चलाजल इंड हो गया और माइक्रोपाइल हो गया। तो इमेजिन करिए ना कि ऊपर क्या है, मान लेते हैं कि ये माइक्रोपाइल हो गया, नीचे चलाजा हो गया। तो अब देखिए कैसे ग्रोथ हो रहा है, तो पहला इसमें यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, न्यूक्लियर डिवीजन किसको कहते हैं, शॉर्ट में क्या लिखोगे, FND, यानी रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नोन एज एफ एन डी। ये सेल डिवीजन का पॉइंट है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, फर्स्ट एफ एन डी, तो यहां पे दो न्यूक्लियस बन गया ना, एक न्यूक्लियस था अब बन गया दो, ठीक है, एक यहां पे आ गया न्यूक्लियस और एक यहां पे न्यूक्लियस आ गया और बीच में क्या है साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ, सेकेंड एफ एन डी, मतलब ये भी डिवाइड किया न्यूक्लियस तो दो बन गया न्यूक्लियस और ये भी न्यूक्लियस डिवाइड किया तो कितना बन गया न्यूक्लियस, दो, और बीच में क्या है बच्चों साइटोप्लाज्म। फिर क्या हुआ, थर्ड एफ एन डी, थर्ड एफ एन डी मतलब दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये भी दोनों डिवाइड करेगा तो यहाँ से दो कितना हो गया चार, यहाँ भी दो यहाँ से भी दो कितना हो गया चार, यानी मीन्स वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, और ये क्या है साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड, कहाँ से, प्रत्येक एंड से एक एक शिफ्ट करेगा, फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से एक एक कहाँ आएगा, बीच में आएगा, यानी फिगर कैसा बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का तीन सेट रह गया और यहाँ पे न्यूक्लियस का तीन सेट रह गया और दो न्यूक्लियस आ गया बीच में, एक और एक दो आ गया और एक क्या है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इन दोनों को अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, अब होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और यही आपका यानी मेम्ब्रेन से गिर जाएगा साइटोप्लाज्म से और क्या बना लेगा, ये देखिए, तो यहाँ जो थ्री सेल था ना ये, ठीक है, तो मान लेते हैं ऊपर में क्या है माइक्रोपाइल, नीचे क्या है चलाजा, माइक्रोपाइलर रीजन चलाजा रीजन, माइक्रोपाइलर और चलाजा, ये तो स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ है ना, यहाँ से देखिए ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर हो गया और ये क्या है चलाजा लिंड हो गया। इमेजिन करो ये फिगर तो इसमें है ना, उविल के अंदर है ना, तो अब मान लें कि ये अगर मानते हैं कि ये आपका, ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड हो गया और ये चलाजल इंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री सेल, ये देखिए तीन सेल बन गया कहाँ, इस इंड पे न्यूक्लियस कितना है तीन है ना, और तीनों गिर गया किससे, साइटोप्लाज्म से गिर गया और मेम्ब्रेन से, यहाँ पे बन गया आपका थ्री न्यूक्लियस, थ्री सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल, एक दो तीन, और यहाँ पे आपका बन गया थ्री, ठीक है, ये इसके बगल में आपका दो हो गया, ये देखिए, और जो बीच में आया था ये रह गया, बीच में आया था ये रह गया, राइट, तो यही क्या हो गया, दिस इज एम्ब्रायोसैक, ये पूरे को क्या कह रहे हैं एम्ब्रायोसैक कह रहे हैं, ठीक है, यही है मेल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। तो देखिए कैसे यहां से यहां तक डेवलप कर गया, समझ में आया, ये सब क्या दिखाए हम लोग, ये आपका न्यूक्लियस है और ये भी क्या है न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका दोनों न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी सब क्या है दिस इज न्यूक्लियाई और ये भी सभी क्या है न्यूक्लियाई, राइट, यहां से एक आया था और एक यहां से आया था। अब देखिए ये जो बीच में दो न्यूक्लियस है ना, इसी को कह रहे हैं क्या, दिस इज टू पोलर न्यूक्लियाई और ये आपका एंटीपोडल सेल, ये सब क्या कहलाया एंटीपोडल सेल, ठीक है, और बीच का सेल को क्या कहा गया सेंट्रल सेल और ये है आपका एग सेल, एक सेल और ये आपका सिनर्जिड कितना दो, ये दोनों, ठीक है सिनर्जिड, तो यही है एक फीमेल गैमेटोफाइट और इम्ब्रियो सैक। तो
चलाजल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक तक का सफर यही हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, है ना, कैसे डेवलप किया समझ गए। ओके, अब हम लोग अलग से थोड़ा डिटेल्स देख रहे हैं कि इसमें कितने सेल हैं, कितने न्यूक्लियस हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ओके, ऑफलाइन में रहते हम लोग तो इसको नोट करने का मौका देते आप लोगों को कि नोट करिए बच्चों, समझ गए। तो यहाँ तो आपके पास वीडियो लेक्चर है तो टाइम किल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको हटा देते हैं, आप रिपीट करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ बना, एक बार फिर से आ जाओ, ये सारा स्ट्रक्चर तुम्हारा कहाँ बना था, ओव्यूल के अंदर फॉर्म हुआ था ना, यानी ये सारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ विद इन ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर फॉर्म हुआ था, ये फिनिकल था, ये देखिए ये माइक्रोपाइल था और इसी में फॉर्म हुआ एम्ब्रायो सैक। तो ये एम्ब्रायो सैक में ध्यान देना है इस इन पे, है ना, यानी चलाजल इंडियन हो गया, चलाजल हो गया और ये माइक्रोपाइल हो गया, तो इधर क्या रहेगा, एक से अपरेटस रहेगा, ठीक है, और ये सेंट्रल सेल होगा, स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। ये यही दिखा रहे थे एमपी और सीएच, रीजन दिखाते हैं, पोजिशन दिखाते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखो, मतलब यहाँ से इसको हम अलग करके दिखा रहे हैं, यही फिगर को दिखा रहे हैं, है ना, यही फिगर को दिखा रहे हैं। तो मान लें कि इसको हम 180 से थोड़ा उलट दें तो ये दिखा सकते ना, ये देखिए, ठीक है। अगर हम ऊपर मान लेते हैं चलाजल रीजन, ये चलाजल रीजन क्यों रहे, है ना, चलाजल रीजन की ओर है और ये माइक्रोपाइल की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे, एक सेल, राइट, और इसके बगल में दो सेल और हैं, ठीक है, ये देखिए, ये सिनर्जिड, और यहाँ पे एक सेल ये हो गया एंटीपोडल सेल, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो चलाजल इंड की ओर कौन रहेगा, एंटीपोडल सेल, ये सबको क्या कहा गया जी, 3 एंटीपोडल सेल किधर प्रेजेंट है, टुवर्ड्स चलाजल इंड, और ये एक सेल किधर प्रेजेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, और उसके सहयोगी सेल दो कौन कौन है, टू सिनर्जिड, इसको क्या कहते हैं, दोनों को एक साथ एग ऑपरेटस कहते हैं, एग ऑपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड के बेसल पार्ट में, है ना, फिंगर लग प्रोजेक्शन होता है, उसको कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ओके ऑपरेटस। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसमें प्रेजेंट है, सिनर्जिड में होता है, ठीक है, सिनर्जिड में होते हैं, और सिनर्जिड के किसके सराउंडिंग में सुरक्षा में है, तो ये एक सेल के सुरक्षा में है, ठीक है। इस तरह से आपका सिनर्जिड हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और उसका लोअर रीजन में फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटस। अब देखिए ये जो 20 का सेल हो गया ना, दिस इज सेंट्रल सेल, इसको क्या कहा गया, सेंट्रल सेल कहा गया, इसमें कितना न्यूक्लियस है, दो, दिस इज कॉल्ड टू पोलर न्यूक्लियाई, ओके न्यूक्लियाई। अब ध्यान दो, एम्ब्रायो सैक ऑल्सो कॉल्ड, इसी को क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, दूसरा पॉइंट,
अब बताइए एम्ब्रायोसैक डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? एम्ब्रायोसैक इज हैप्लॉयड, ठीक है, हैप्लॉयड है ना। क्यों हैप्लॉयड है? बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप फ्रॉम? मेगास्पोर से ना, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर कैसा था? हैप्लॉयड था, हैप्लॉयड था ना, इसका मतलब एम्ब्रियोसैक भी कैसा हो गया? हैप्लॉयड हो गया। क्लियर बच्चों? हैप्लॉयड हो गया। तो एम्ब्रियोसैक में जितना भी सेल होगा सब क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, है ना। तो एम्ब्रियोसैक में कितना सेल है जी? एन एम्ब्रियोसैक मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, एम्ब्रियोसैक मेड अप ऑफ कितना? 7 सेल, ठीक है, 7 सेल एंड कितना न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई, समझ गए? 7 सेल कौन कौन हो गया? तो 7 सेल में 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 3 × 5, 1 सेल, 6 और 1 सेंट्रल सेल, 7 न्यूक्लियस कितना? तो प्रत्येक एंटीपोडल सेल में एक एक न्यूक्लियस है, 1 सिनर्जिड में न्यूक्लियस, 1 इस सिनर्जिड में न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल में, 2 न्यूक्लियस सिनर्जिड सेल में और 1 कहाँ? 1 सेल में। तो 3 × 5 1 6 हो गया, और 2 न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? आपका सेंट्रल सेल में। तो न्यूक्लियस की संख्या 8, बट सेल की संख्या 7, ओके, सेल की संख्या 7। सच एम्ब्रियोसैक कॉल पॉलीगोनम टाइप, जिस एम्ब्रियोसैक में ऐसा सिचुएशन है उसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, यही है पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक, इसी को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अब बताओ तो एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में टोटल कितना डिवीजन हुआ? तो 3 माइटोसिस हुआ ना, 3 FND, 3 न्यूक्लियर डिवीजन। फर्स्ट माइटोसिस में 2 न्यूक्लियाई, सेकेंड में 4, थर्ड में 8, तो माइटोसिस तो 3 ही हुआ ना, राइट। और इसके पहले एक हो गया था क्या? मियोसिस, जिसे किस क्या बना था? मेगास्पोर बना था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट यहाँ से पूछेगा आपसे, ओके बच्चों। अब एक एक को डिफाइन करना है कि मेगा एंटीपोडल सेल क्या है, किधर है, सिनर्जिड किधर है, एक किधर है, एक सेल किधर है, सेंट्रल सेल क्या है। एम्ब्रियोसैक का एक ही सेल है जो बायन्यूक्लिएट है, कौन? सेंट्रल सेल, बाकी सारे क्या है? यूनिन्यूक्लिएट हैं। लार्जेस्ट सेल कौन हो गया एम्ब्रियोसैक का? सेंट्रल सेल, लार्जेस्ट सेल ही सेंट्रल सेल, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन हो गया? एक सेल। देन सिनर्जिड, सबसे छोटा कौन हो गया? एंटीपोडल सेल। ये सब फिगर से क्लियर है, एम्ब्रियोसैक का लार्जेस्ट सेल सेंट्रल सेल, सेकेंड लार्जेस्ट एक सेल, है ना। एक सेल को क्या कहते हैं? वो स्फीयर कहते हैं। उसके बगल में कौन है? सिनर्जिड। ऊपर कौन है? एंटीपोडल। यही तो एम्ब्रियोसैक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल में। इसके राउंड कौन प्रेजेंट है? न्यूसेलस। तो न्यूसेलस ही क्या दे रहा था? न्यूट्रिशन दे रहा था। तो जैसे जैसे एम्ब्रियोसैक ग्रो करेगा न्यूसेलस न्यूट्रिएंट देगा और डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो गया? न्यूसेलस डिस्ट्रॉय हो जाता है, है ना, इसलिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एम्ब्रियोसैक को। तो यहां तक क्लियर हुआ कैसे एम्ब्रियोसैक बन गया, समझ गए? ओवन, मेगास्पोर, मदर सेल से, मेगास्पोर से बना आपका एम्ब्रियोसैक। तो अगर एक मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रियोसैक तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। किसी किसी में 2 एम्ब्रियोसैक से बनता है, मतलब 2 डिजेनरेट करेगा और 2 बच जाएगा, तो उसे कहेंगे बाईस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। और किसी किसी में ऑल 4 एम्ब्रियोसैक आर फंक्शनल और फॉर्म कर लेता है, ऑल मेगास्पोर आर फंक्शनल एंड फॉर्म कर लेते हैं क्या? एम्ब्रियोसैक। तो उसे कहते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। अगर एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट है ना ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ किसका, एम्ब्रायो सैक, किससे, फ्रॉम मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, एम्ब्रायो सैक आर फॉलोइंग टाइप्स, सेवरल काइंड, सेवरल टाइप, फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स क्या क्या बच्चों, तो फर्स्ट मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक मतलब क्या, इट डेवलप फ्रॉम, इट डेवलप फ्रॉम किससे, सिंगल मेगास्पोर से, मेगास्पोर से। सेकंड क्या हो गया बच्चों, बाई अस्पोरिक, बाई अस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाई अस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का मतलब डेवलप फ्रॉम प्रीमरियो टू मेगास्पोर, और टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या, डेवलप फ्रॉम फोर मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम वन मेगास्पोर तो कहेंगे मोनोस्पोरिक, टू मेगास्पोर बाईस्पोरिक, फोर मेगास्पोर टेट्रास्पोरिक। तो मोस्ट कॉमन इज मोनोस्पोरिक, क्या है ये, मोस्ट कॉमन हो गया, मोस्ट कॉमन कौन हो गया, मोनोस्पोरिक हो गया, उसी को कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करेंगे, एंटीपोडल को, सेंट्रल को, सिनर्जिड को, एक सेल को, इस सबको डिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चों।